एक बड़ी खबर हिमाचल से ही, अनलॉक टू पर प्रदेश की गाइडलाइंस जारी की गई है। अनलॉक टू को लेकर ये गाइडलाइंस जारी की गई है जिसके अंदर प्रदेश के बॉर्डर खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है, यानी कि शर्तों के साथ बॉर्डर्स खोले जाएंगे। अनलॉक टू में भारत से आने वाले, बाहर से आने वाले लोगों का खासा ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर पर आपको ई पास पंजीकरण कराना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर पर ई पास पंजीकरण से ही आपको एंट्री मिल पाएगी, यानी कि नई गाइडलाइंस में ये सभी चीजें लिखी गई हैं। प्रदेश के अंदर पर्यटकों के आने की भी अनुमति होगी। जो पर्यटक आएंगे उनको भी अनुमति लेनी पड़ेगी। पर्यटकों को कम से कम 5 दिन ठहरना होगा, यानी कि 5 दिन का समय दिया गया है पर्यटकों के लिए। आपको ये भी बताते चले कि पर्यटकों को 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट भी कराना अनिवार्य, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही ऐसे पर्यटकों को प्रवेश मिल पाएगा। धार्मिक स्थल खोलने की भी अनुमति दी गई है इस गाइडलाइंस में, एसओपी का इंतजार है। और बताते चले कि 60% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट और ढाबे भी खुलेंगे, मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, ट्रेनिंग भी होगी। तो गाइडलाइंस में क्या क्या चीजें खुली रहेंगी, किस तरीके की चीजें ओपन रहेंगी, वो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बेहद अहम जानकारी। 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, नए गाइडलाइंस में और क्या क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए गाइडलाइंस तो हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक बड़ी खबर देना चाहेंगे कि कोविड-19 के चलते जिस तरह से राज्य में लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, वहीं आज सुबह एक खबर आई कि हमीरपुर के सुजानपुर क्षेत्र में 9वीं मौत हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना से हो चुकी है, ऐसी पुष्टि जो है वहां से हुई है। इसके अलावा अगर गाइडलाइंस की खास तौर पर बात करें, एक तरफ जहां मामले बढ़ रहे हैं, वहीं राज्य सरकार ने अब अनलॉक टू के चलते हिमाचल प्रदेश में जो बॉर्डर्स है उनको खोलने की तैयारी कर ली है। इस बाबत गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। ये कहा गया है अब बाहरी किसी व्यक्ति को ई कोविड पास की जरूरत नहीं है हिमाचल प्रदेश में आने के लिए, लिहाजा अब एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर पंजीकरण जो है वो करना होगा, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो भी बाहरी राज्यों से व्यक्ति पहुंचते हैं उनका एक डेटाबेस तैयार हो सके, यानी कि राज्य सरकार को ये मालूम हो कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से आया है, क्या उसकी जो कोविड रिपोर्ट है पॉजिटिव है या नहीं। क्योंकि कोविड टेस्ट जो है वो सभी को करवाना होगा। पर्यटकों की खास तौर पर बात कर ली जाए तो उनके लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है। कहा गया है कि जो भी हिमाचल प्रदेश में पर्यटक अगर आते हैं तो कम से कम होटल में 5 दिन की बुकिंग उनको करवानी होगी, यही। और इसके अलावा ये भी है कि 72 घंटे पहले जो है वो उनको कोविड-19 का टेस्ट करवाना होगा, यानी कि कुछ एक ऐसी सीमा जो है उनके लिए बांध दी गई है, कुछ एक ऐसे शर्तें जो है वो लगा दी गई हैं जिसके अंदर अब बाहरी राज्यों से जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। खास तौर पर जो टूरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है, केंद्रीय गाइडलाइंस जिस तरह से एमएचए ने गाइडलाइंस जारी की थी उन्हीं को अमल में लाया गया है। हालांकि विरोध जो है वो राज्य सरकार कर रही थी। इस बाबत मुख्य सचिव ने 2 दिन पहले ही एक चिट्ठी लिखी थी केंद्र को और ये कहा गया था कि भाई अभी हिमाचल प्रदेश जो है तैयार नहीं है ये तमाम चीजें ओपन करने के लिए, बॉर्डर इलाकों को ओपन ना किया जाए। इस पर केंद्र ने आपत्ति जताई और ये कहा कि अब जो गाइडलाइंस केंद्र की तरफ से जारी की गई हैं उनको सशर्त लागू करने के लिए राज्य सरकार को कोशिश करनी चाहिए। इसी चीज को लेते हुए आज एक अहम बैठक जो है। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के।